नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया के बारे में, जिसमें हमने प्रक्रिया अर्थात क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या सिलेबस रहता है, किस किस प्रकार की पोस्ट होती हैं, इस सब के बारे में चर्चा की थी। लेकिन दोस्तों, एक ही वीडियो में सभी एस्पेक्ट पर चर्चा कर पाना संभव नहीं हो पाता, तो मैंने सोचा कि हमारे द्वारा आप सभी के लिए एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जिला न्यायालय भर्ती सीरीज शुरू की जाए। इस सीरीज के लिए अलग से एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हमारे द्वारा बना दी जाएगी और उन सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी जो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछते हैं। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी के लिए इस एग्जाम के संबंध में योग्यता की चर्चा की थी। दो प्रकार की पोस्टें होती है, हमने बात की थी। एक होती है सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट और एक होती है स्टेनोग्राफर की पोस्ट। सहायक ग्रेड 3 की योग्यताओं को हमने देखा था, स्टेनोग्राफर की योग्यताओं की भी चर्चा की थी। तीन योग्यताएं दोनों में कॉमन होती है, जैसे कि ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा प्लस CPCT का स्कोर कार्ड। लेकिन जो स्टेनो होता है, स्टेनोग्राफर का जो पद होता है, उसके लिए ग्रेजुएशन, कंप्यूटर डिप्लोमा, CPCT के साथ साथ स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा भी आपसे मांगा जाता है। ठीक, ये तो बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब आप सभी का डाउट था कि सर, मेरी जो ग्रेजुएशन है, मैं उसके फाइनल ईयर में हूँ, मेरा अंतिम सेमेस्टर का एग्जाम होना बाकी है। सर, मैंने CPCT का एग्जाम तो दे दिया, लेकिन उसका अभी स्कोर कार्ड नहीं आया। मेरा एग्जाम अच्छा है, स्पीड अच्छी रही, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन इसका स्कोर कार्ड नहीं आया। सर, मैंने स्टेनो की परीक्षा दे दी, उसका रिजल्ट नहीं आया। सर, कंप्यूटर डिप्लोमा के मैं सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। या कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते होंगे, सर कंप्यूटर डिप्लोमा का मैंने एग्जाम दे दिया, सब दे दिया, मैं पास भी कर लूंगा, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसे जो योग्यताएं इस एग्जाम में मांगी गई हैं, उन योग्यताओं को लेकर जो उनका रिजल्ट है, आपके काफी सारे डाउट थे कि सर रिजल्ट आना जरूरी है कि हम फॉर्म को ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में या सारे एग्जाम देने के बाद रिजल्ट ना आया हो उस दरमियान भी भर सकते हैं। तो बेसिकली आपका डाउट यह था कि क्या जितनी भी योग्यताएं मांगी गई हैं उनका रिजल्ट हमारे पास होना चाहिए या बिना उसके भी काम चल जाएगा, कि जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय हमें रिजल्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों, मैं आपके लिए बता दूं, जो अब तक जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा हुई है उसमें जो आपका फॉर्म फिल होने की लास्ट डेट होती है, उस डेट तक आपके पास सभी योग्यताएं होनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से सुने। जितनी भी योग्यताएं, जैसे कि AG3 के लिए 3 योग्यताएं हैं, स्टेनोग्राफर के लिए 4 योग्यताएं हैं, तो जितनी भी ये योग्यताएं हैं, आपके पास जो फॉर्म भरने की आखिरी तिथि है उस तिथि तक ये योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल करने में योग्य उम्मीदवार माने जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो इस ही प्रकार से आपके हर एक डाउट को हम अपनी जिला न्यायालय भर्ती परीक्षा की जो सीरीज होगी उसमें कवर करेंगे। आप हर प्रकार का डाउट हमसे पूछ सकते हैं कि सर कंप्यूटर डिप्लोमा कौन सा चल सकता है, क्या कंप्यूटर वाली डिग्री चल सकती है। यदि आपको ऐसे डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस मैं आपको बता दूं कि जो जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया की जो परीक्षा होती है उसमें 2 बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। एक बार आपका वेरिफिकेशन होता है, जो आपका एक एग्जाम होता है, एग्जाम और स्किल टेस्ट के बीच में एक बार आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद जब आपके स्किल टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन के बाद भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक, तो इस प्रकार के जितने भी आपके डाउट हैं, ज्वाइनिंग के बाद की कैसी लाइफ होती है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको विस्तार से दिया जाएगा हमारी इस सीरीज में। और यह सीरीज किस आधार पर चलाई जाएगी, आपकी डिमांड के आधार पर चलाई जाएगी। यदि आप हमसे डिमांड करेंगे कि सर मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आपको जरूर हमारे द्वारा संबंधित टॉपिक का वीडियो बनाकर दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, कमेंट में अपने सवाल पूछने हैं,
उसके जवाब मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे। और बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।